नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। यूपी में बीजेपी नाजुक दौर से गुजर रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, खुद बीजेपी के दिग्गज ये साबित करने में जुटे हुए हैं। जब से लोकसभा चुनाव में यूपी की स्थिति खराब हुई है, सीएम योगी के लिए ताजी हवा यूपी में नहीं चल सकी है। सियासी हवाओं का रुख उनके विरुद्ध जा रहा है। सीएम योगी को जहां दुश्मन अपने चक्रव्यूह में घेर रहे हैं, तो वहीं उनके अपने भी बगावती सुर तेज कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी के मनोबल को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका मनोबल टूटता है या नहीं, ये तो देखने वाला विषय होगा। लेकिन यूपी में बीजेपी के बीच असंतुष्टों का मनोबल जरूर बढ़ गया है। यही वजह है कि कभी सिराथू में बीजेपी की थूथू कराने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सीएम योगी के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में नतीजे बेहतर नहीं आए, जिससे एक बात साफ हो गई है कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इस खराब स्थिति के बाद बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उम्मीद थी कि चुनाव में मिली पराजय के कारणों पर मंथन होगा और उन सवालों पर बात होगी, जिसके कारण बीजेपी यूपी में पहले नंबर से दूसरे पर पहुंच गई। ऐसे में कार्य समिति की बैठक में मंथन से कोई हल तो बीजेपी नहीं तलाश सकी, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी से हार पर पर्दा डालने की कोशिश दिखी। ऐसे में बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं का मनोबल बढ़ा दिया है, जिसके चलते शीर्ष नेताओं के बीच तलवारें खिंच गई हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, संगठन सरकार से ऊपर होता है, कोई व्यक्ति या सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। पेड़ की टहनी से जब कुल्हाड़ी बनती है, तभी वो पेड़ काटा जा सकता है। जो दर्द आपका है, वही दर्द हमारा भी है। देखा जाए तो केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं के मन की बात पर तालियां तो खूब बटोरी, लेकिन उनका संबोधन कई सवाल भी छोड़ गया। केशव प्रसाद मौर्य ने करीब दो साल बाद एक बार फिर संगठन को सरकार से बड़ा बताया है। व्यावहारिक तौर पर तो केशव का बयान सही है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इस बयान ने असंतुष्टों के लिए मुखर होने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि सहयोगी दल के नेताओं ने भी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। वहीं साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी में तनातनी शुरू हो गई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वर्चस्व की जंग 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही शुरू हो गई थी। एक तरह से देखा जाए तो 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ा था। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय केशव मौर्य को मिलना चाहिए था, पर प्रदेश की कमान हिंदू हृदय सम्राट होने के नाम पर योगी आदित्यनाथ को मिल गई। शीर्ष नेताओं ने केशव मौर्य को किसी तरह समझा बुझा कर शांत कर उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी कर लिया। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के चंद दिनों के बाद ही एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच की तकरार सामने आती रही है। अब देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य यूपी सरकार की बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं। केशव मौर्य दो बार कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। पिछले दिनों सीएम योगी की ओर से पौधरोपण अभियान को लेकर बैठक की थी, जिसमें भी केशव मौर्य नहीं पहुंचे। केशव एक तरफ सरकारी बैठकों से भले ही दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि ये सभी बातें इशारा करती हैं कि यूपी में बीजेपी के हालात फिलहाल ठीक नहीं है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।